जिस देश की ताकत मेरी फौज हो, वह बॉर्डर की रक्षा सुरक्षा बिल्कुल मजबूती होगी। उन फौजियों को सलूट जो देश की रक्षा में दिन रात एक करते हुए अपनी योगदान भारत माता जगत जननी की रक्षा के लिए तैनात है। आपको सलूट सर। जय। मैं अपने दुश्मनों को दुश्मन नहीं समझता, अपनी सार्वभौमता पर कोई आंच या अन्याय नहीं सहता। ये है भारत, महात्मा गांधी जी का भारत, सुभाष चंद्र बोस जी का भारत। मैं हूँ लालचंद सोनी। सुन ले भारत के दुश्मनों, मेरे देश के अंदर वह शक्ति है, वह मौजूद है जो आपको पता ही नहीं है। देश सनातन धर्म से चला आ रहा महात्मा गांधी जी का देश है, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद का देश है। यह भारत साधु सन्यासियों का तपोस्थली देश है। यहाँ कोई डरने वाला नहीं है। दिन हो या रात, हर दिन बातें अपनी। आज सुबह टाइम चैनल के सिर्फ देश की बात, देश की आवाज, देश हित में हमारे देश के जाबाज साहसी फौजी पराक्रम सूरवीर इस धरती के लाल। आज दिन हो या रात, 2400 घंटा धरती माता की रक्षा सुरक्षा कर रहे हैं। ऐसे पराक्रमी साहसी जवानों को और जाबाजों को आज सुबह टाइम्स आपको सुबह सुबह नमन सलूट करती है। आगे एक रिपोर्टिंग देखिए। राजेश गुप्ता जी रिटायर्ड फौजी अफिसर हैं और सुनिए एक जुबानी से। आपके बीच में राजेश गुप्ता, स्टेट स्टाफ चीफ वेस्ट यूपी, आपका स्वागत करते हैं। हमारे भारतीय सेना पर हमको सबको गर्व है। आज की तारीख में एलएसी के पास हमारी भारतीय सेना के जवान दिन रात विषम परिस्थितियों में भी अपनी पूरी ड्यूटी निभा रहे हैं। आज के इस विषम परिस्थिति में भी हमारे भारतीय सेना के, वायुसेना के, नेवी के और इन्फेंट्री के जवान पूरी ताकत के साथ, पूरे हौसले के साथ हमारी सीमा की रक्षा कर रहे हैं। हम अपने भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को सलूट करते हैं जो इतनी विषम परिस्थितियों में भी देश की रक्षा के लिए मॉस्को, तेहरान आज देश की रक्षा करके अपने सद्भावना यात्रा को लेकर, शांति के माहौल को लेकर इस भारतवर्ष की जो एक नीति है कि शांति के साथ हम वार्ता करेंगे, वार्ता करने के लिए तैयार हैं। मगर अगर किसी ने हमको घूर के देखा, आंखें निकाल के देखा, तो हमारे भारतीय सेना के जवान, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स पूरी तरह से हावी होकर उनको डांट खट्टे करके रहेगी, उनको मुकाबला करके पीछे हटा देगी, क्योंकि हमारी भारतीय सेना ने वो चीज़ें हासिल की हैं जो हमारे देश के लिए, हर नागरिक के लिए गर्व की बात है। आइए हम सब लोग अपनी भारतीय सेना जो हमारी एलओसी में लगी हुई है, हम सब उनको ऐसे ही साहस देते रहे, मोटिवेट करते रहे, जिससे हमारे देश का ये जो तिरंगा है हम लोग लेके ऊपर उठाकर विश्व में ये दिखा सकें कि हमारी जो ताकत है वो हमारी शांति के साथ ताकत है। हम शांति के साथ चलते हैं, शांति से बात करते हैं और शांति से हर काम करने की कोशिश करते हैं। इसलिए इस भारतीय सेना को, इस भारतीय सेना के हर व्यक्ति को, इस भारतीय सेना की हर यूनिट को, इस भारतीय सेना के हर जवान को, हर अधिकारी को जो जिस जगह देश के कोने कोने में रहे, अपनी ड्यूटी दे रहा है, उन सबको हम अपना जय हिंद कहते हैं, सलूट। मैं हूँ भारत की पहचान, आओ बनाएं मिलकर भारत को मजबूत। मेरा भारत, मेरी तिरंगा की आन बान शान, हमेशा ऊंचे पर्वतों पर लहराता रहे भारत की तिरंगा, खुशियों के साथ हरा भरा रहे मेरी भारत की जिंदगी, हरी रहे मेरी सब कुछ। और मैं हूँ भारत की शान, मैं हूँ भारत की शान।